बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव हम मन की कड़वाहट को कैसे क्वारंटाइन करें कि हमारे बहुत सारे संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएं, कृपया समाधान। मन की कड़वाहट को कैसे क्वारंटाइन करें कि बहुत सारे संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाए। देखिए, मन की कड़वाहट को क्वारंटाइन करने की बात आपने की है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मन में कड़वाहट उत्पन्न ही ना होने दे, तो थोड़ा सा आप सुरक्षित दूरी बना करके रखें। अगर सुरक्षित दूरी बना कर रखेंगे तो मन में कड़वाहट आएगी नहीं या इन्फेक्शन भीतर जाएगा नहीं, तो फिर आपको अलग से पृथकवास की भी ज़रूरत नहीं होगी। विरमना एक और है, देश में क्वारंटाइन शब्द का तो चलन खूब है पर पृथकवास कोई नहीं जानता। हमें हिंदी का प्रयोग करके अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पृथकवास रहे, हम अलग थलग रहे, एक दूसरे के साथ असंपृक्त रहे, ये प्रयास होना चाहिए। आपने कहा है कि मन की कड़वाहट को क्वारंटाइन करें। कड़वाहट को क्वारंटाइन नहीं करना है, जिसके मन में कड़वाहट है उसे क्वारंटाइन होना है। जब भी हमारे मन में कड़वाहट आने लगे, हम अपने आप को उस कार्य से, उस क्षेत्र से, उस स्थान से अलग थलग कर दें। और यदि हम वहाँ से अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपने चिंतन में थोड़ा बदलाव लाते हैं तो वो कड़वाहट ख़त्म हो जाए और फिर हमें अपने संबंधों को कभी वेंटिलेटर पर टांगने की नौबत ही नहीं आएगी। अब उसकी कोई अलग से, आज के समय में कोरोना की वैक्सीन नहीं है, पर मन की कड़वाहट को मिटाने की एक बहुत शानदार वैक्सीन है, और वो वैक्सीन है सकारात्मक सोच की। एक वैक्सीन लगा लो, सारी कड़वाहट ख़त्म। मन में क्षमा भाव जागते ही सारा मैल दूर हो जाता है। क्षमा का एक इंजेक्शन लगा लो, तुम्हारे अंदर की सारी बुराई और विकृति दूर हो जाएगी और जीवन निहाल होगा।